गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आवर फिफ्थ चैप्टर मैरी लेक्स. इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट एन एब्रॉट फ्रॉम ब्लैक ब्यूटी बाय अन्ना सिवेल. सो दिस इज द नैरेटेड बाय ब्लैक ब्यूटी, अ हॉर्स हु लिव्ड इन बर्थविक पार्क. Owned by the kind Mr. Gordon, Black Beauty was looked after by John Groom and James, the stable boy. The stable boy had two other horses, Merrylegs and Ginger. उनके पास और दो घोड़े हैं, उसका एक का नाम है Merrylegs और दूसरा है Ginger. So Merrylegs was a fat little grey pony with a thick mane and tail and a very pretty head. Here how the Merrylegs looks, we have to see. वो बहुत ही ग्रे पौनी, छोटा सा ग्रे पौनी था, थोड़ा मोटा था, तगड़ा था. थिक मैन, उसकी जो मैन थी मीन्स के मुंह पर बाल थे वो बड़े थे, टेल भी थी, एंड वेरी प्रेटी हेड, और बहुत ही खूबसूरत उसका चेहरा था. ही वॉज अ फेवरेट ऑफ मिस्टर गॉर्डन्स टू डॉटर. वो बहुत ही पसंदीदा था मिस्टर गॉर्डन की दो डॉटर का, मिस जेसी एंड मिस फ्लोरा. जिंजर वॉज अ टॉल चेस्टनट मेयर. सी वॉज इल टेम्पर्ड एंड had a habit of beating, snapping because she had been ill-treated by previous owner. Godwin, जो दूसरा घोड़ा जो था, जो बहुत ही जिंजर, जो बहुत ही एक ill-tempered घोड़ी थी. सी means घोड़ी थी, वो घोड़ा नहीं था, female horse. So she is very ill-tempered because of she had been ill-treated by the previous owner. Now read on and find out how Merrylegs teaches lessons to two naughty boys. दो बहुत ही तूफानी लड़के जो naughty boys को Merrylegs ने कैसे lessons सिखाया, वो हम read करेंगे. तो आप लोग सब, जब मैं ये chapter read कर रहा हूँ तब जहाँ आपकी book है वहाँ आप point out करके, उंगली से point out करके मेरे साथ ही read करेंगे और उसे समझेंगे. The priest Mr. Blomfield had a large family of boys and girls. उसका बहुत ही बड़ा family था Blomfield का, जिसमें बहुत सारे लड़के और लड़कियां थी. समटाइम्स दे यूज टू कम एंड प्लेज विथ मिस जेसी एंड मिस फ्लोरा. कभी कभार वो मिस जेसी और मिस फ्लोरा के साथ खेलते. वन ऑफ द गर्ल वॉज एज ओल्ड एज मिस जेसी. उनकी एक लड़की थी वो मिस जेसी से बड़ी थी. टू ऑफ द बॉयज वर ओल्डर, दो लड़के बड़े थे. एंड देयर वर सेवरल लिटिल वंस, और कुछ जो है वो छोटे थे. मतलब उनकी फैमिली में इतने बड़े लोग, इतने बड़े और छोटे लोग, छोटे बड़ी और छोटी लड़कियाँ थी मिस जेसी से. वेन दे केम देयर वॉज अ प्लेंटी ऑफ वर्क फॉर Merrylegs. जब वो आते, उनकी फैमिली आती मिस्टर ब्लॉमफील्ड की, तब Merrylegs का काम बढ़ जाता. हु इज Merrylegs हियर? Merrylegs इज अ वन ऑफ द हॉर्स. नथिंग प्लीज द चिल्ड्रन सो मच एज गेटिंग ऑन हिम बाय टर्न एंड राइडिंग हिम ऑल अबाउट द ऑर्चर्ड. और कुछ काम नहीं होता था बट ऑर्चर्ड में चक्कर काटना, घोड़े पर बैठकर टर्न लगाना और उस पर राइडिंग करना. घोड़े पर राइडिंग की जा सकती है. सो राइडिंग इज द हियर वर्ब. राइडिंग जो है एक वर्ब है यहाँ पर, राइड, और उसका बनता है राइडिंग. दे वुड डू दिस बाय द अर टुगेदर. ये घंटों तक मीन्स के एक घंटे तक ऐसा चलता रहता. वन आफ्टरनून Merrylegs हैड बीन सेंट आउट विथ देम अ लॉन्ग टाइम. व्हेन जेम्स ब्राउट हिम इन ही सेड देयर You naughty creature, mind how you behave yourself or we shall get into trouble. What have you been doing, Merrylegs? I ask. उसने पूछा, मैंने पूछा कि Merrylegs तुम क्या कर रहे हो. Oh, said he, tossing his little head. थोड़ा सा ऐसा मुँह हिलाया Merrylegs ने. I have only been giving those young people a lesson. मैं इन बड़े लड़कों को लेसन सिखाना चाहता हूँ, एक पाठ पढ़ाना चाहता हूँ. They did not know when they had enough, so I just pitched them off backward. मैंने ऐसे उन, वो समझ नहीं रहे थे मेरी बात, इसीलिए मैंने उनको pitched means throw किया, threw किया. Pitched means threw. It's a past tense of throw. THROW. Throw का pitched. Okay. Them off the backward. That was the only thing they could understand. ये इसी तरीके से समझेंगे, इसीलिए मैंने उसको पीछे की ओर फेंक दिया. What's what said I? मैंने पूछा क्यों. You threw off the children off. तूने चिल्ड्रंस को आगे फेंक दिया. I thought you knew better than that. मैं सोच रहा हूँ कि तुम इससे बहुत ही समझ पाओगे. Did you throw Miss Jessie और Miss Flora? तुमने Miss Jessie और Miss Flora को भी फेंक दिया.
मैरी लेग्स लुक्ड ऑफेंडेड. अब आपको पेज टर्न करना है, 40 पेज पर देखना है. मैरी लेग्स लुक्ड ऑफेंडेड एंड सेड, ऑफ कोर्स नॉट, आई वुड नॉट डू सच अ थिंग फॉर द बेस्ट और दैट एवर केम इन टू दिस टेबल. वाई, आई एम एज केयरफुल ऑफ अवर यंग लेडीज एज द मास्टर कुड बी, एंड एज फॉर द लिटल वंस इट इज आई वुड टीच दैम टू राइट. ये मैं ही था उन्हें ऐसे राइड करना सिखाया. हमने RIDE राइड मैंने आपको पहले बताया था, ये एक वर्ब है. सो आप इसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं. टीच भी एक वर्ब है. जो भी आपको वर्ब दिख रहे हैं यहाँ पर, उसके नीचे आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं और नए नए वर्ब सीख सकते हैं. वैन दे सीम फ्राइटेंडेड और अ लिटल अनस्टीडी ऑन माई बैक, आई गो एज अ स्मूथ एंड एज अ क्वाइट एज ऑल पुशी वैन सी इज आफ्टर अ बर्ड. When they are all right, I go on again faster. You see, just to get them used to it. So don't you trouble yourself preaching to me. Peer, यहाँ पीर्च का मतलब होता है give somebody advice in the way that annoys them. कुछ सीखो, कुछ advice देना. तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि कोई एक जो खुद है घोड़े पर सवार होने वाला, मैरी लेग्स जो है वो खुद बताता है कि मैंने उनको लेसन कैसे पढ़ा. हाउ आई टॉट द लेसन टू दैम. आई एम द बेस्ट फ्रेंड एंड द बेस्ट राइडिंग मास्टर दोज चिल्ड्रन हैव. मैं एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड हूँ और जो भी राइडिंग मास्टर्स होते हैं और जिनके जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए भी मैं अच्छा हूँ. इट इज़ नॉट दैम, इट इज़ द बॉयज. वो खुद नहीं है लेकिन वो एक बॉय है, बॉयज़ है. बॉयज़ यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है बॉय का. बॉयज सेड द मैरी लेग्स. मैरी लेग्स कहते हैं बॉयज. Shaking his mane, वो अपनी मैन ऐसे सेक कर रहा है. सेक करना मीन्स हिलाना. इट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ वर्ब, सो यू शुड अंडरलाइन. आर क्वाइट डिफरेंट, दे नीड टू बी अ टफ टॉट जस्ट वॉट्स वॉट. वॉट्स वॉट मीन्स टू टीच सम वंस वॉट्स वॉट, कुछ ना कुछ सिखाना. वॉट्स वॉट्स मीन. द अदर चिल्ड्रन हैड राइडिंग मी अबाउट फॉर नियरली 2 hours. दूसरे जो चिल्ड्रंस होते हैं वो मेरे पर तकरीबन 1-2 घंटे राइड करते हैं, मेरे ऊपर राइड करते हैं. एंड देन द बॉयज थॉट इट वॉज अ देयर टर्न. बॉयज सोच रहेगा मेरे टर्न है, एंड सो इट वॉज. एंड आई वॉज क्वाइट विलिंग, दे रोड मी बाई टर्न्स एंड आई गैलॉप देम अबाउट अप एंड डाउन द फील्ड्स एंड ऑल अबाउट द ऑर्चर्ड फॉर अ गुड आवर. ये वहाँ की एक क्रिया दर्शाती है कि वहाँ वो लोग फील्ड में क्या कर रहे हैं. वॉट आर दे डूइंग इन द फील्ड और ऑर्चर्ड. दे हैड इच कट अ लॉन्ग हैजल स्टिक फॉर अ राइडिंग व्हिप. राइड करने के लिए वो बहुत बड़ी एक लकड़ी काटते हैं. एंड हिट मी अ लिटल टू हार्ड, और मुझे बहुत ही वो हिट करते. हिट करते मीन्स मुझे मारते हैं, हार्ड तरीके से मारते हैं. ऐसा मेरी लेग बोलता है. बट आई टुक इट इन अ गुड पार्ट. बट मैं उसे गुड पार्ट. वैन यू टेक समथिंग इन गुड पार्ट, यू एक्सेप्ट समथिंग स्लाइटली अनप्लीजेंट विदाउट बींग हर्ट और एंग्री. आप कुछ जो एक्सेप्ट करते. टेक टुक इट इन गुड पार्ट का मतलब होता है आप ईजिली किसी चीज़ को ले रहे हैं या उसके ऊपर गुस्सा नहीं हो रहे. टिल एट लास्ट आई थॉट वी हैड इनफ, सो आई स्टॉप 2 or 3 times एज अ हिंट. एक ही बार जो जब हिंट करते हैं तो 3 बार अगर वो हिंट करते फिर मैं स्टॉप हो जाता. ऐसा मैरी लेग बोल रहा है. बॉयज थिंक अ हॉर्स और पोनी इज लाइक अ स्टीम इंजन. बॉयज ऐसा सोचते हैं कि हॉर्स जो है वो स्टीम इंजन की तरह है, उनको जैसे ही मारोगे वैसे चलेगा. एंड कैन गो ऑन एज लॉन्ग एंड फास्ट एज दे प्लीज. जैसा ही वो विश करते वैसा ही वो लॉन्ग चलेगा या फास्ट चलेगा. स्टीम इंजन की तरह. स्टीम इंजन क्या क्या होता है? वैन वी लीवर अप, उसको लीवर करते हैं या उसको ब्रेक करते हैं तो रुक जाता है, लीवर करते हैं तो फास्ट चलने लगता है. लेकिन वो घोड़ा तो जिंदा चीज़ है. दे नेवर थिंक दैट अ पोनी कैन गेट टायर्ड और हैव एनी फीलिंग्स. बच्चे ऐसा नहीं सोचते कि पोनी जो होता है, घोड़ा जो होता है, वो कभी थकता भी है और उनकी फीलिंग्स भी होती है. सो एज द वन वो वॉज वीपिंग मी कुड नॉट अंडरस्टैंड, आई जस्ट रोप अप ऑन माई हिंग लेग्स एंड लेट हिम स्लिप ऑफ बिहाइंड. दैट वॉज ऑल. मैं क्या करता हूँ, उनको मेरे पूरे 2 पैर जो है ऊँचे करता हूँ. देखो आप एक पिक्चर में भी दिया गया है. और बच्चों को जो है वो नीचे फेंकता हूँ, भले वो मुझे लकड़ियाँ मारे, मैं भी उनको लेसन सिखाता हूँ. ही माउंटेन मी अगेन एंड आई डिड द सेम. देन द अदर बॉय गॉट अप एंड एज सुन एज ही बिगन टू यूज हिज स्टिक आई लेड हिम ऑन द ग्रास एंड सो ऑन टिल दे वर एबल टू अंडरस्टैंड दैट वॉज ऑल. जब तक वो उठना चाहते हैं और
मुझे ऐसे मारना चाहते हैं लकड़ी से, तब फिर से मैं उनको एक बार ग्रास की ओर फेंकता हूँ। दे आर नॉट बैड बॉयज, वो बहुत ही ख़राब लड़के नहीं हैं। दे डोंट विश टू बी क्रूअल, वो ख़राब भी, क्रूअल मीन्स निर्दय भी बनना नहीं चाहते। आई लाइक देम वेरी वेल, मैं उनसे भी बहुत चाहता हूँ। बट आई हैड टू गिव देम अ लेसन, लेकिन मैं उन्हें लेसन पाठ पढ़ाना चाहता हूँ कि कोई एक घोड़ा जो होता है वो स्टीम इंजन की तरह नहीं होता, जो इंजन की तरह आप उसे चलाओ, लीवर करो तो चले, ब्रेक करो तो रुक जाए, ऐसा नहीं हुआ है। मुझे वो लकड़ियाँ मारते हुए वो भी अच्छा लगता है, बट आई हैव स्टील हैव अ फीलिंग्स। When they bowed me to James and told him, I think he was very angry to see such a big stick. He said they were not for young gentlemen. Then वो बोलते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैं बर्दाश्त करता हूँ, मेरे लेग्स टेल दी, बट आई वॉन्ट टू लर्न देम अ लेसन, जस्ट लाइक आई एम नॉट अ इंजिन, आई एम अ लिविंग बींग। Now turn the page, on page number 41 you see that if I had been you, say Ginger, Ginger उनका साथी है, दूसरा घोड़ा जो हमने beginning में पढ़ा था कि Ginger एक और भी घोड़ा है। If I had been you, I would have given those boys a good kick and that would have given them a lesson. अगर मैं होता तो हमारी जगह तो उसे kick मारता, good kick, एक बहुत लात मारता और उसे lesson सिखाता। No doubt you would, said Merrylegs. नो डाउट तुम ऐसा कर सकते थे, मेरे लेग्स कहता है, बट देन आई एम नॉट क्वाइट सच अ फूल एज टू एंगर अवर मास्टर और मेक जेम्स अ सेम ऑफ मी। मेरा मास्टर है जेम्स, उसे मैं ऐसे शर्मिंदगी में नहीं डाल सकता, इसीलिए मैंने उसे किक नहीं मारी, उन लड़कों को लेसन पढ़ाने के लिए किक नहीं मारी। बिसाइड दोज चिल्ड्रंस आर अंडर माई चार्ज वैन दे आर राइडिंग, वो जब राइडिंग कर रहे थे तब वो मेरे निगरानी में थे। इन माई चार्ज, अंडर माई चार्ज, टू बी आई एम लुक आफ्टर देम। I tell you they are untrusted to me. Why, only the other day I heard our master say to Mr. Bloomfield, my dear madam, you need not be anxious about the children. My old Merrylegs will take such much care of them as you are. I assure you I would not sell that pony for any money. He is so perfectly good tempered and trustworthy. तो यहाँ जो है वो इन मिस्टर ब्लोमफील्ड जो है वो हर बार इस घोड़े के प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये घोड़ा तो है बहुत अच्छा है, ट्रस्टवर्थी है और इसे मैं किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहता और वो सबकी देखभाल करता है। तो ये मैरीलेग्स की यहाँ प्रशंसा हो रही है। डू यू थिंक आई एम सो अंडर ग्रेटफुल एज टू फॉरगोट ऑल द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट आई हैव हैड हियर फॉर 5 years एंड ऑल द ट्रस्ट दे प्लेस इन मी एंड टर्न vicious, vicious means violent and cruel, because a couple of foolish boys used me badly. No, you never had a good place where they were kind to you, and so you don't know, and I am sorry for you, but I can tell you, you good places make good horses. यहाँ पर जो है वो ये घोड़ा बता रहा है कि मैं कभी भी क्रूअल नहीं हो सकता किसी के लिए, बिकॉज ऑफ आई एम हियर फ्रॉम फाइव ईयर्स, मैं 5 साल से यहाँ पर हूँ तो मैं किसी के लिए क्रूअल नहीं बन सकता। आई वुडंट वैक्स अवर पीपल फॉर एनीथिंग, आई लव देम, आई डू, सेड मैरीलेग्स एंड ही गेव अ लो हो 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 थ्रू हिज नॉइस एज ही यूज टू डू इन द मॉर्निंग व्हेन ही हर्ड जेम्स फुटस्टेप एट द डोर। अब ये जो मेरी आवाज़ है हो हो हो, ऐसा जो है वो मेरे लिए वो आवाज़ निकालते और मॉर्निंग में हर रोज़ मैं जेम्स के फुटस्टेप पर उनके दरवाजे के सामने होता हूँ। तो ये यहाँ पर एनिमल्स के प्रति जो हमारी दया भावना कैसे रखनी चाहिए, एनिमल्स के प्रति हम किस तरीके से बिहेवियर करते हैं वो देखना चाहिए। वो मैरीलेग यहाँ पर, मैरीलेग और जो दूसरा घोड़ा है जिंजर, उन दोनों में क्या फ़र्क है वो भी यहाँ पर आपको दिया है। सो ये इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िए, जहाँ भी आपको वर्ब्स दिख रहे हैं, चाहे वो पास्ट टेंस में हो, चाहे परफेक्ट टेंस में हो या मेन वर्ब हो, उसे आप अंडरलाइन करिए और उसे हर रोज़ आप पढ़िए और लेसन को एक दो बार सुनिए अच्छी तरीके से, और आप भी साथ साथ में मेरे साथ जब वीडियो ये शेयर करता हूँ उसे पढ़िए। और हार्ड वर्ड्स जो है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और उसको हार्ड वर्क को भी पढ़ने हैं। थैंक यू सो मच।